हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Redmi 10 और 11 सीरीज के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Redmi 11 Prime 5G और दूसरा हमारे पास Redmi 10 Prime 2022। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपेरिजन करेंगे एक साथ और नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जान लेते हैं। Redmi 11 Prime 5G आपको मिलेगा 12,999 रुपए में Amazon के अंदर, और अगर आप SBI कार्ड का यूज करते हो तो 10% का आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये 4GB 64GB वेरिएंट है। वहीं बात करें Redmi 10 Prime की, तो ये बहुत ही सस्ता हो रखा है। मात्र 9,999 रुपए का आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा Amazon के अंदर, और अगर आप SBI कार्ड का यूज करते हो तो 10% और डिस्काउंट के साथ ये और भी सस्ता मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी 4GB वेरिएंट है, और वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है इन दोनों स्मार्टफोन में खास। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस रेगुलर मैं आपके लिए यहां पर लाता रहता हूं। व्हाइट कलर के बॉक्स में आते हैं दोनों स्मार्टफोन, जहां आपको बॉक्स पर मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। ऊपर इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड और MI की ब्रांडिंग की गई है। नीचे की साइड मॉडल नेम लिखे हुए हैं और बैक साइड में आपको हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो चलिए जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको नजर आते हैं एक एक मिनी बॉक्स, जिनके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, और साथ ही फोन को सेफ्टी देने के लिए मिल जाते हैं आपको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर, काफी अच्छी क्वालिटी के। इसके बाद बॉक्स में आपको नजर आते हैं स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल रखते हैं हम साइड में, और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे चार्जर अडेप्टर और USB केबल। दोनों ही स्मार्टफोन में 22.5 वाट के फास्ट चार्जर दिए गए हैं, हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन 18 वाट तक ही सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आपको दिखेंगी व्हाइट कलर की टाइप सी USB केबल। केबल की लेंथ और क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन के साथ। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। स्क्रैच गार्ड दोनों पर आपको पहले से लगे हुए मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों Redmi 11 Prime 5G आता है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ, और Redmi 10 Prime 2022 पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों स्मार्टफोन के साइज लगभग एक जैसे हैं। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। कॉर्नर इनके कर्वी हैं, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल हैं। सबसे पहले Redmi 11 Prime 5G का बैक पैनल आपको करीब से दिखाएं, तो इसमें आपको राउंड शेप में लाइनिंग देखने को मिलती है, हल्का सा खुरदुरा है जिस पर स्क्रैचेस नहीं आते, ग्रिप अच्छी बनती है। नीचे Redmi 5G की ब्रांडिंग की गई है। वहीं पर Redmi 10 Prime का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको मिरर टाइप की फिनिशिंग देखने को मिलती है। रेनबो कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन में काफी कमाल का डिजाइन आपको यहां पर देते हैं, जो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, विदाउट कवर इस स्मार्टफोन को कभी यूज ना करें, काफी जल्दी स्क्रैचेस आ सकते हैं। अब हम दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालें, तो दो कैमरा के साथ आता है Redmi 11 और Redmi 10 आता है चार कैमरा के साथ। तो सबसे पहले Redmi 11 Prime 5G के कैमरा आपको बताते हैं। तो यहां आपको जो मेन कैमरा है वो मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और दूसरा आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। दोनों ही लेंस आपको बराबर साइज के मिलते हैं। वहीं पर हम आते हैं Redmi 10 Prime पर, तो इसमें आपको मिलते हैं पूरे चार कैमरा, और यहां जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको इसमें मिल रहा है दोस्तों, जो कि आज की डेट में कोई कंपनी इस बजट रेंज के अंदर आपको नहीं देती है, यह Redmi 10 Prime में मिल जाता है। तीसरा आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देते हैं। दोनों स्मार्टफोन का जो कॉर्नर है उनमें आपको अलग अलग शेप देखने को मिलती है। बिल्कुल फ्लैट शेप के साथ आता है Redmi 11 Prime 5G, और Redmi 10 Prime आता है राउंड शेप के साथ, और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां और यहां पर मिलते हैं, और यही पावर ऑन की का काम भी करते हैं। जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, और ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में देखें तो IR ब्लास्टर तो दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, जिनका यूज आप रिमोट कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। Redmi 10 Prime में आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी दिया गया है, साथ ही आपको इसमें
डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो स्पीकर ग्रिल आपको ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी दिया गया है, जो आपको रेडमी 11 प्राइम 5G में नहीं मिलता है। ये 5G है तो इसमें आपको ये सब कुछ नहीं दिया गया है, वैसे देना चाहिए था। और लास्ट में आपको यहाँ पर 3.5mm के ऑडियो जैक मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है और ब्राइटनेस को 100% किया हुआ है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा आपको नजर आएगा। इसके अलावा अंदर भी आपको आइकन बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। वॉलपेपर चेंज है लेकिन ब्राइटनेस के मामले में, हालांकि 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको रेडमी 11 प्राइम में मिलती है और 400 निट्स की ब्राइटनेस रेडमी 10 प्राइम में मिलती है, लेकिन फिर भी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मुझे रेडमी 10 प्राइम की ही लग रही है। इसके बाद हम दोनों स्मार्टफोन के एज और बेजल्स को देखें तो कॉर्नर से और ऊपर से तो दोनों स्मार्टफोन में थिक बेजल्स मिलते हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल ऐप भी दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में, हालांकि अनवांटेड ऐप को आप अपने फोन से रिमूव करके प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। टच काफी स्मूथ और फास्ट मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन का। इसके अलावा बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है Redmi 11 प्राइम 5G में, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 401 PPI की। साथ ही आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। वहीं बात करें Redmi 10 प्राइम की, तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल डेंसिटी 405 PPI की, और इसमें भी आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके बाद हम दोनों की हाइट को देखते हैं, तो 163.9 mm की हाइट है Redmi 11 प्राइम की और Redmi 10 प्राइम में आपको मिलती है 161.9 mm की हाइट। थिकनेस में भी अंतर है, 8.9 mm की थिकनेस के साथ Redmi 11 प्राइम आता है और Redmi 10 प्राइम आता है पूरे 9.5 mm की थिकनेस के साथ, यानी कि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा मोटा है और भारी भी है क्योंकि इसके अंदर लगी है 6000 mAh की बैटरी, जबकि Redmi 11 प्राइम आपको 5000 mAh की बैटरी देता है। दोनों ही स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ है, यानी कि हल्का फुल्का पानी मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। चलिए दोस्तों अब सेटिंग पे नजर डालते हैं। शुरुआत हम Redmi 11 प्राइम 5G से करते हैं, तो इसकी सेटिंग को जैसे आप ओपन करते हो तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे ओपन करें तो MIUI वर्जन आपको दिखेगा, 13.0.4 इसका वर्जन है और स्टोरेज मीटर आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो स्टोरेज यूज हो रखा है वो सिस्टम ने ले रखा है या फिर जो ऐप होती है प्री इंस्टॉल फालतू के उन्होंने ले रखा है लगभग 2.2 GB तक का, बाकी आप 0 byte देख रहे होंगे। इसके अलावा ऑल स्पेसिफिकेशन में चलते हैं, उससे पहले एंड्रॉइड वर्जन देख लीजिए, आपको 12 मिलता है इसमें। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करते ही आपको नजर आएगी यहाँ पर रैम, 4 GB रैम प्लस 1 GB वर्चुअल रैम, रैम टाइप LPDDR4X, 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और ये एक 5G स्मार्टफोन है तो इसमें आपको चिपसेट मिलता है MediaTek Dimensity 700 का, जो बेस्ड है 7nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। इसके बाद हम स्टोरेज देखें तो आपको इसमें 64 GB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें से लगभग 44 GB ही अवेलेबल है फोन में यूज के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी 512 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको इसमें मिल जाता है। वहीं अब आते हैं हम Redmi 10 Prime 4G है ये स्मार्टफोन 2022, इसकी सेटिंग को भी ओपन करें तो सेटिंग का जो इंटरफेस है, नॉर्मली सभी Redmi के जो मोबाइल होते हैं उनका इंटरफेस आपको बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलता है, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम, सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे ओपन करें तो MIUI वर्जन 12.5.6 का आपको इसमें दिया गया है। हालांकि जैसे ही हम इसमें नेट कनेक्ट करेंगे तो इसका अपडेट भी आ चुका होगा और MIUI वर्जन थोड़ा सा अपडेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ भी स्टोरेज मीटर दिया गया है, बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है आपको इसमें। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 4 GB की रैम आपको यहाँ पर दी गई है, वर्चुअल रैम यहाँ पर नहीं मिलती है, LPDDR4X की रैम मिलती है आपको इसमें, 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio G80 का दिया गया है, जो कि एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसमें भी आपको 64 GB में से लगभग 44 GB ही यूज के लिए मिलता है और एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ
भी आप 512 जीबी तक ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है यहाँ पर थोड़ा सा पुराना वाला दिया गया है eMMC 5.1 का। इसके बाद इसमें आपको 12 nm का फैब्रिकेशन ग्राफिक माली G52 के मिलते हैं। लगे हाथों एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर भी डालते हैं। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है, थोड़ा सा लेट खुला यहाँ पर Redmi 10 Prime का कैमरा। तो कैमरा क्लैरिटी तो मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रही है, कलर्स अच्छे लग रहे हैं Redmi 10 Prime के। ये देखिए यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, हालांकि ब्राइटनेस तो यहाँ पर Redmi 11 में ज्यादा दिख रही है, लेकिन कलर्स बेटर आपको Redmi 10 Prime के देखने को मिलते हैं। जूमिंग देखें, जूमिंग पावर बहुत रहती है Redmi के फोनों की, तो 10 गुना जूम यहाँ पर आप कर सकते हैं। वहीं Redmi 10 Prime भी कहाँ पीछे रहने वाला, इससे भी आप पूरा 10 गुना जूम कर सकते हो। और एक प्लस पॉइंट भी आपको यहाँ पर बता देते हैं, Redmi 10 Prime में तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है। नॉर्मल अभी आ गए हम 1x पर, और अगर हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का यूज करते हैं तो आप जूम आउट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 0.6 मेगापिक्सल तक। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है उसने, इस कैमरा ने उसे भी कैप्चर कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये फायदा मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का, जो कि आज की डेट में पता नहीं क्यों कोई कंपनियां नहीं दे रही हैं इस बजट रेंज के अंदर। बाकी पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। स्लो मोशन का ऑप्शन आपको दे रहा है Redmi 10 Prime, और जो ये Redmi 11 है 5G स्मार्टफोन, इसमें आपको स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया जी Redmi 11 के लिए। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। यहाँ पर सेल्फी कैमरा मुझे बेटर लगा Redmi 11 Prime 5G का, देख सकते हैं। कलरफुल कैमरा अगर आपको पसंद आता है तो Redmi 11 का कैमरा आपको ज़्यादा पसंद आएंगे, और यह जूमिंग सपोर्ट नहीं करते दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। दोस्तों ये थे Redmi 11 और Redmi 10 सीरीज के दो बेहतरीन स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर 4G और 5G की आती है। अगर आप 5G की ओर अभी से जाना चाहते हैं तब तो आपको Redmi 11 Prime 5G ही पसंद आएगा, लेकिन दोस्तों जब तक 5G नहीं आया है तब तक तो यहाँ पर Redmi 10 Prime का अपना रुतबा है। काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन काफ़ी सही प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, MediaTek Helio G80 का चिपसेट मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लगा, और ये जो स्मार्टफोन है इसमें 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप इसे हाथ में काफी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। उतना मोटा नहीं लगता जितना ये है, और उतना भारी भी नहीं लगता जितना ये है। तो फ्रेंड्स ये मोबाइल मुझे काफी कमाल का लगा, अगर आपको ये 10,000 रुपए से कम कीमत में मिल जाता है। वहीं आपको 13,000 रुपए खर्च करने पर Redmi 11 Prime 5G मिलता है। मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली मोबाइल लगा, जी हाँ थोड़ा सा महंगा है, कम से कम 12,000 रुपए के आसपास तो ठीक ठाक है। हालांकि आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके इसे काफी सस्ती रेंज में प्राप्त कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 13,000 रुपए में से। लेकिन फिर भी दोस्तों 12,000 रुपए से कम कीमत में अगर आपको ये स्मार्टफोन मिलता है तो मैं कहूंगा परचेज करना चाहिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। इससे बेटर फोन आपको आजकल सेल के अंदर मिल जाएंगे, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जो सेल चल रही है उसमें आप इससे बेटर स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो। इसमें तो आपको पंच होल डिस्प्ले भी नहीं दी गई है, हालांकि फुल HD प्लस का दोनों में आपको मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में दिया गया है। बाकी बैक पैनल जो है वो नॉर्मल सा लगा मुझे यहाँ पर Redmi 11 Prime 5G का। कैमरा सेटअप काफी बढ़िया बनाया गया है, दो बराबर साइज के लेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों खास अगर आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता तो और भी बढ़िया रहता। और साथ ही आप 13,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 33 वॉट का चार्जर तो बनता है, 33 वॉट का चार्जर बनना चाहिए था, 18 वॉट सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन, तो टाइम बहुत लेगा ये चार्ज करने में, जबकि 33 वॉट तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट के अंदर फोन को 100% फुल चार्ज करके दे देता है आपको। तो फ्रेंड्स बाकी तो आप सभी की पसंद मैटर करती है, आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।